हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं विकास इकोटेक लिमिटेड शेयर के बारे। आज हम लोग इस शेयर का जानने वाले हैं रिटर्न, शेयर होल्डिंग, टारगेट एंड स्टॉप लॉस और फंडामेंटल्स। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इस टाइप की वीडियो बनाते रहता हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए डायरेक्ट चलते हम लोग टॉपिक्स पर। हम लोग बात करते हैं रिटर्न्स की, ठीक है फ्रेंड? तो चलिए चलते हैं रिटर्न्स पे। रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 वीक में 20% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 मंथ में 20% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ में 36% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है, 6 मंथ में 1% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न है, 1 ईयर में 2% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न है, 2 ईयर में 57% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 ईयर में 24% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है, 5 ईयर में 77% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न है। तो अब हमने रिटर्न्स को देखा फ्रेंड, अब हम लोग जाकर देखेंगे शेयर होल्डिंग्स को। तो चलिए एक बार हम लोग शेयर होल्डिंग्स पे नज़र मारते हैं। बात करें फ्रेंड शेयर होल्डिंग्स की, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर के पास ना के बराबर शेयर है, 9.33% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, FII के पास 0.03% की होल्डिंग है और टोटल होल्डिंग जो है देख सकते हैं 90%, 90% से भी ज़्यादा, 90.64% की होल्डिंग जो है वो पब्लिक के पास है, ठीक है फ्रेंड? तो अब हमने अभी देख लिया रिटर्न्स और प्रमोटर होल्डिंग। तो अब हम लोग जानने वाले टारगेट और स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म के लिए डे कैंडल का यूज़ करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए वीकली या मंथली कैंडल का यूज़ करेंगे। तो हम लोग चलते हैं चार्ट पे। तो आ चुके हैं फ्रेंड हम लोग विकास इकोटेक के चार्ट पे। मैंने शॉर्ट टर्म के टारगेट्स के लिए डे कैंडल सेट किया है पहले से, देखिए ऑलरेडी मैंने सेट करके रखा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट टर्म का टारगेट और स्टॉप लॉस। डे कैंडल पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 3.90 रुपये का, इसका सेकंड जो टारगेट होगा वो होगा 4.30 रुपये का, और इसका थर्ड जो टारगेट होगा वो होगा 4.85 रुपये का, 4.85 रुपये का, ठीक है फ्रेंड? अब हम लोग बात करेंगे इसका स्टॉप लॉस की। तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 3.40 रुपये का, इसका सेकंड स्टॉप लॉस होगा 3.05 रुपये का, और इसका जो थर्ड स्टॉप लॉस होगा वो होगा 2.50 रुपये का, ठीक है फ्रेंड? अब हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग टारगेट और स्टॉप लॉस जान चुके हैं, अब हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए जानेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए मैं वीकली कैंडल लेता हूँ, आप लोग मंथली कैंडल भी यूज़ कर सकते हो। तो वीकली कैंडल पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 4.40 रुपये का, 4.40 रुपये का, इसका सेकेंड जो टारगेट होगा वो होगा 5.90 रुपये का, 5.90 रुपये का, और इसका जो थर्ड टारगेट होगा वो होगा 8.35 रुपये का, 8.35 रुपये का, ठीक है फ्रेंड? तो अब हमने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 8.35 रुपये का, ठीक है। अब हम लोग इसकी स्टॉप लॉस को फाइंड करते हैं। इसका जो फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड वो होगा 3 रुपये का, इसका जो सेकंड स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1.95 रुपये का, ठीक है। मैंने इसमें 2 ही स्टॉप लॉस रखा है फ्रेंड। तो हमने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों पे हमने इसके टारगेट्स को जाना। अब चलते हैं हम लोग फंडामेंटल्स पे, और इस पर जो एक लेटेस्ट न्यूज़ है हम लोग उस पर भी नज़र देंगे, ठीक है फ्रेंड? तो चलिए, तो आ चुके हैं फ्रेंड हम लोग ओवरव्यू पे। देख सकते हैं हम लोग फंडामेंटल्स पे हैं। इसका पूरा नाम यहाँ पे आप देखिए, विकास इकोटेक लिमिटेड, ये एक स्मॉल कैप का शेयर है, ठीक है। इसके 52 वीक की हाई की बात करें तो 4.15 रुपये है, 52 वीक लो की बात करें 2.35 रुपये है, मार्केट कैप की बात करें 323 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, शेयर होल्डर्स की बात करें 2.65 लाख इसके पास शेयर होल्डर्स है, मंथली रिटर्न की बात करें 20% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है, ईयरली रिटर्न की बात करें 2% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न है। अब हम लोग एक बार इसका इवेंट्स चल के देखेंगे, फिर जानेंगे इस पर क्या न्यूज़ है। बात करें इसके इवेंट्स की फ्रेंड, तो देखिए 19 जून को इसका जो है इवेंट अनाउंसमेंट हुआ है, मतलब 2 दिन पहले, ठीक है। और न्यूज़ जो है वो 11 घंटा पहले आया हुआ है, आप लोग यहाँ से रिमोट करके इसे पढ़ सकते हो। अब मैं डायरेक्ट बात करता हूँ न्यूज़ की, तो चलिए अब हम लोग न्यूज़ को देखते हैं एक बार। तो देख सकते हैं फ्रेंड आप लोग यहाँ पे ये न्यूज़ है, मैं इसको हिंदी में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका एक न्यूज़ आया हुआ है 11 घंटा पहले, और दूसरा न्यूज़ जो है 3 वीक पुराना है, ठीक है। तो उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, जो न्यूज़ न्यू है हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। न्यूज़ देखिए क्या है, मजबूत कारोबारी अपडेट के बाद विकास इकोटेक के शेयर में 6% की उछाल आई, ठीक है। तो यही न्यूज़ है, इसके नीचे और भी है, अगर मैं पढ़ने जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर भी मैं एक बार इसे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड।
तो देख सकते हैं फ्रेंड न्यूज़ आ चुकी है, मैं कन्वर्ट कर चुका हूँ। मैं इसे एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ, ठीक है? आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि मैं अगर इसे पढ़ने किया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड? न्यूज़ यहीं देखती, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।